हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मासिक धर्म के कितने दिनों के बाद अंडा बच्चा बनना शुरू होता है? फ्रेंड्स, जब आपकी पीरियड आती है उसके कितने दिनों के बाद आपका बच्चा बनना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका अंडा बनना शुरू हो जाता है, और अंडा बनने के कितने दिनों के बाद बच्चा बनना शुरू हो जाता है? आज के वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे इसके बारे में जाननी है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जब आपका मासिक धर्म आता है, यानी कि जब आपका पीरियड आता है, तो पीरियड के एक से दो दिन के बाद आपकी ओवरी में अंडा बनना शुरू हो जाता है। वहां पे ओवरी में छोटे छोटे बहुत सारे फोलिकल होते हैं। ये फोलिकल क्या होते हैं? छोटे छोटे फोलिकल होते हैं, ये जो आपस में मिलकर एक अंडा का रूप देने लगते हैं, और ये अंडा जो होता है धीरे 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 बनने लगता है। और ये अंडा जैसे जैसे आपका पीरियड जो है बंद होता है, यानी कि जैसे जैसे पीरियड की का डेट बढ़ता है, आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे ऐसे अंडा जो है बनना शुरू हो जाता है और अंडा बढ़ना शुरू हो जाता है। अंडा बढ़ते बढ़ते जब आपका ओवुलेशन का समय आता है, यानी कि जब आपके पीरियड की मिड भाग आती है, पीरियड की साइकिल आपकी जो भी हो, 28 दिन की हो, 30 दिन की हो, 35 दिन की हो, 40 दिन की हो, 45 दिन की हो, जो भी आपके पीरियड की साइकिल हो, उसके मिड में, यानी कि आपके पीरियड के डेट के जो इस बार का पीरियड आया है और अगले बार जो पीरियड आने वाला है उसके डेट से आपको 14 दिन माइनस कर देना है। तो 14 दिन जब माइनस कर दोगे तो जो भी डेट आएगा उस डेट में आपका ओवुलेशन होगा, और यहीं पे आपका अंडा निकलने वाला होता है। जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपका एक अच्छा सा एक जो है रेप्चर होता है। एक बात आपको समझना होगा फ्रेंड, कि जो अंडा ये बनता है, ये अंडा आपका जो फॉलिकल होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है तो ही एक जो है बच्चे का रूप ये अंडा लेता है। वरना क्या होता है कि ये छोटे छोटे, जब यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल मिलके अंडा बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो आपकी बॉडी इसे रिजेक्ट कर देती है, इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका अंडा रिलीज होता है, जब आपका ओवुलेशन आता है, और जब आपके बॉडी से, आपके ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में अंडा जो है निकल के आता है वहां पे, तो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ओवरी से निकल के तो फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो वहां पे एक स्पर्म का इंतजार करता है। अगर आपने उस समय रिलेशन रख लिया या फिर रिलेशन आपने पहले भी रखा होगा, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब रिलेशन पहले भी रखे होंगे आप, तो वहां पे तुरंत आपका जो है अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर रिलेशन नहीं रखोगे तो अंडा 24 घंटे उसकी सेल्फ लाइफ होती है, 24 घंटे तक जीवित रहता है और देखता रहता है, अपने स्पर्म की तलाश करता रहता है। तो यहाँ पे जब उसे स्पर्म मिल जाता है तो वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, कई भागों में वो बट जाता है, कई भागों में बटने के बाद वो एकत्र हो जाता है, एकत्र होके एक जायगॉट का रूप ले लेता है। जो छोटा सा भ्रूण होता है ना, वो अभी ये बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, एक बैर के साइज का होता है। तो ये क्या होता है, ये आपको 4 से 5 दिन तक आपके फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, लेकिन भ्रमण करते करते ये धीरे धीरे अपना भ्रमण करते करते आपके यूट्रस की दीवार पे जाते हैं, जाके चिपकने के लिए जाता है। वहां पे यूट्रस की दीवार में आपको एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार पहले से ही एक गद्देदार नुमा, एक गद्दी तैयार करके रखती है आपके बच्चे के लिए, कि अगर बच्चा आएगा तो वहां पे चिपकेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी नहीं रहेगी, उसकी थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी, तो भी आपका जायगॉट वहां पे नहीं चिपकेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रेगनेंसी के लिए हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, अंडा से लेके स्पर्म से लेके एंडोमेट्रियम की दीवार से लेके यूट्रस से लेके हर चीज जब परफेक्ट रहेगा तो ही आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और एक हेल्दी शिशु का निर्माण होगा, वरना अनिंग होती है। तो वहां पे जब एंडोमेट्रियम की दीवार पे चिपकने के लिए, धंसने के लिए जाता है, तो वहां पे जब धंसता है तो इस प्रक्रिया को इम्प्लांट होना बोलते हैं। जब वहां पे एक छोटा सा जायगॉट धंसता है तो यहाँ पे होता क्या है कि जब धंसता है तो आपकी बॉडी में आपको HCG जो हार्मोन होते हैं वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं, और आपका जब वहां पे जायगॉट चिपक जाता है तो प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है। तो जब प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे HCG जो हार्मोन होता है वो अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो बनाना शुरू कर देता है। जो आपकी बॉडी में हार्मोन होते हैं उत्तेजित होने लगते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG जो हार्मोन है उसके साथ और भी हार्मोन होते हैं जो कि बनने लगते हैं, और यही हार्मोन जो HCG होता है इसी की वजह से आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नजर आते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी आपका जो है जो शिशु है जो अंडा है वो फर्टिलाइज एग है, अभी वो एंडोमेट्रियम की दीवार पे चिपका हुआ है, अभी वो बच्चे का रूप नहीं लिया है। धीरे 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 जब आपका पीरियड मिस होता है, जब आप टेस्ट करते हो चेक करते हो तो वहाँ उसमें डबल लाइन आ जाता है, तो जब डबल लाइन आ जाता है तो आपको तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वरना यहाँ पे होता क्या है कि महिलाएं इम्प्लांट के समय बहुत सारी गलतियां कर जाती हैं। बहुत सारी गलतियां करने का मतलब कि हेयर वॉश कर लेती हैं, इसके अलावा अपना जो भी वर्कआउट कर रही हैं कर लेती हैं, तला भुना मिर्ची मसालेदार खाना खा लेती हैं, जिससे कि उनका इम्प्लांट बिल्कुल फेल हो जाता है। और जब इम्प्लांट उनका फेल हो जाता है, इम्प्लांट के समय आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं कि इम्प्लांटेशन फेल होने के कौन कौन से काम आप नहीं करोगे तो इम्प्लांटेशन आपका फेल नहीं होगा। तो उस वीडियो को भी आपको चेकआउट करने चाहिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको काफी जो है नॉलेज मिलेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका वहां पे भ्रूण स्थापित हो जाता है तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी का हर चीज उसको नरिश करने में लग जाता है। ब्लड है, किडनी है, हर चीज जो है फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है। से मिलेगा तो ही है, यानी कि अंगों का स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसका डिटेल पूरा मतलब कि उसका विकास नहीं हुआ रहता है। लिंक बन जाते हैं, उसकी जो है हार्ट बीट आ जाती है, हर चीज उसकी बनना शुरू हो जाती है। और 3.5 महीने के बाद आपके शिशु का केवल विकास होता है, जैसे कि उंगलियां धीरे धीरे छोटी छोटी बनना शुरू हो जाती है, हाथ पैर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर जब तैयार होता है तो उसपे चमड़ी, मांस, ब्लड, हर चीज उस पे जो स्किन है उसकी जो है बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उस पे डेवलपमेंट वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 महीने तक आपके शिशु की पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। और 3 महीने तक ही आपको आपका शिशु जो है अब ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि एक महिला में एक शिशु का निर्माण कब होता है और एक शिशु जो है एक अंडा कब बनता है। आपके पीरियड के डेट से पहले दूसरे दिन से अंडा बनना शुरू हो जाता है, और ये अंडा आपका ओवुलेशन के समय जो है निकलता है, और ये अंडा एक पुरुष के स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। और ये जो अंडा होता है, फर्टिलाइज जो एग होता है, वो आपके फिलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है अपने स्पर्म का। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो धीरे धीरे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार पे चिपकने के लिए जाता है, वहां पे चिपकता है। यही पूरी प्रोसेस होती है। चिपकने के बाद आपका पीरियड मिस होता है, और पीरियड मिस होने के बाद आपको आप जब टेस्ट करते हो तो डबल लाइन आ जाता है। यही फ्रेंड्स पूरी प्रक्रिया होती है एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में। यही पूरा स्टेज होता है, सबसे पहले ओवुलेशन, सबसे पहले पीरियड, इसके बाद ओवुलेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन, उसके बाद पीरियड मिस होना। ये 4 प्रक्रिया को अगर आप पार कर लेते हो सक्सेसफुली, तो आपको सक्सेसफुली एक हेल्दी जो है आपके आपका जो शिशु है वो हेल्दी आपके सामने रहेगा। आई होप कि इस वीडियो से फ्रेंड्स आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर कुछ नॉलेज मिला तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद।